हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल्स का एक क्वेश्चन। टू सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी, प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट सी बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। ये क्वेश्चन में देखो है क्या, इसकी ना पहले फिगर बना लेते हैं फिर समझते हैं। कह रहा है टू सर्कल्स टच ईच अदर एट पॉइंट सी, इस तरह से दो सर्कल्स पॉइंट सी पे टच कर रही हैं। प्रूव दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट सी, यानी सी पॉइंट से जो कॉमन टेंजेंट जा रहा है मींस ये वाला, बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। अब इसमें एक और कॉमन टेंजेंट है, यानी वो इस तरह से बनेगा कुछ जो पी और क्यू पॉइंट्स पे है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन एक बारी, फिगर क्लियर करते हैं कि फिगर में एक्चुअल में है क्या क्या। टू सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी, दो सर्कल्स हैं जो कि सी पॉइंट पे टच कर रही हैं। प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट सी, दोनों सर्कल्स में जो एक कॉमन टेंजेंट जा रहा है सी पॉइंट से, बाइसेक्ट्स द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू। यानी जो ये वाला टेंजेंट है ना, ये वाला सी पॉइंट से होता हुआ एक और टेंजेंट है, वो भी कॉमन टेंजेंट है पी क्यू। अब वो ये वाला टेंजेंट इस PQ वाले टेंजेंट को बाइसेक्ट करे, इसका कोई नाम दे दो R। यानी हमें क्या प्रूफ करना है, PR इक्वल टू RQ, ये हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां पे गिवन पोर्शन क्या होएगा, CR एंड PQ आर कॉमन टेंजेंट्स ठीक है, और टू प्रूफ पी आर इक्वल टू क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, आपने एनसीईआरटी में थ्योरम 10.2 पढ़ी होगी। उस थ्योरम में क्या होता है, देखिए सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है वहां से अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं तो उन दो टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, वो दोनों इक्वल होते हैं। उसी थ्योरम का इसमें यूज होना है। इस फिगर में देखो ये जो आर पॉइंट है, इस वाली सर्कल के लिए भी और इस वाली सर्कल के लिए भी एक्सटीरियर पॉइंट है, मीन्स ये आर पॉइंट इन दोनों सर्कल्स का एक्सटीरियर पॉइंट है। और यहां से देखिए RP और RC ये दोनों टेंजेंट्स है ना, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह से RC और RQ इस वाले सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स हैं, ये दोनों भी सेम होंगे लेंथ में। ठीक है, बस इन स्टेप्स का यूज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले लिख लो पी आर पी इक्वल टू आर सी, आर पी इक्वल टू आर सी। रीजन यहां पे लिखो टेंजेंट्स drawn from point R, ठीक है, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, आर सी इक्वल टू आर क्यू, ये सेकेंड इक्वेशन। सेम रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट R, ये भी R पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। बच्चे आर सी दोनों में सेम सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा आर पी इक्वल टू आर क्यू, आर पी इक्वल टू आर क्यू। आर पी कह लो या पी आर कह लो, क्यू आर या आर क्यू, दोनों सेम ही है, यही तो प्रूफ करना है। ठीक है,